नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में आई एक नई खबर के बारे में आपको बताएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन का मुलुंद फैक्ट्री में बेबी पाउडर बनाने का जो लाइसेंस था उसे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स यानी आदेशों के हिसाब से रद्द कर दिया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज के दिन इन ऑर्डर्स को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जॉनसन एंड जॉनसन अब बेबी पाउडर दोबारा बना भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब पहले जानते हैं कि मामला है क्या और उसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इससे जुड़े जो डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में एक बार संक्षेप में जानेंगे। तो जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ प्रोब 2018 में नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू हुई थी, जब पुणे और नासिक में कंपनी ने बेबी पाउडर को ऐसे ही रैंडमली एफडीए के द्वारा चेक कर लिया था, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच कर दी थी रैंडमली। अक्टूबर 2018 का सैंपल 11 महीने बाद दोबारा टेस्ट किया गया और पीएच के लेवल्स जो थे वो बढ़े हुए आए, लेकिन कंपनी को इसके बारे में सिर्फ 2020 की जनवरी में बताया गया और एक शो कॉज नोटिस 2021 की फरवरी में दिया गया, और यही नहीं एक निजी सुनवाई का मौका जुलाई 2022 में जाके उनको दिया गया। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो एपेक्स अथॉरिटी है, उन्होंने कंपनी के लाइसेंस को, कंपनी के बेबी पाउडर बनाने के लाइसेंस को 15 सितंबर 2022 में रद्द कर दिया था, और बाद में उनसे ये भी कहा गया कि अपने स्टॉक्स जो हैं उन्हें रिकॉल कर लें, वापस मंगा लें, और इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद 16 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने कहा कि पाउडर का जो सैंपल है परीक्षण के लिए दिया जाएगा दो सरकारी और एक प्राइवेट लैब में। इसके बाद परीक्षण हुआ तो दोनों सरकारी लैब जो थी उन्होंने कहा कि पीएच लेवल उतना ही है जितना सीमा के अंदर होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट लैब ने यह कह दिया कि पीएच का जो स्तर है वो अनस्टेबल है यानी अस्थिर है। अब जो डेवलपमेंट्स बॉम्बे हाईकोर्ट में हुए उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी हेगड़े की बेंच ने कहा कि एफडीए के कदम काफी देरी से ग्रस्त थे, यानी अननेसेसरीली या अनरीजनेबली डिलेड थे, और एक हैमर का इस्तेमाल, हथौड़ी का इस्तेमाल चींटी को मारने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी एक बैच में एक सैंपल को टेस्ट किया जाए और उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए। ये एक कठोर कदम है और कहीं से ऐसा नहीं पता चलता कि एफडीए ने बाकी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऐसा किया हो या जॉनसन एंड जॉनसन के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा कभी किया हो। बेंच ने देखा कि पब्लिक के हित का उद्देश्य और उनका वेलफेयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी यानी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे लंबी देरी हुई है जो कि न सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए गलत है बल्कि कंज्यूमर के लिए भी गलत है। कोर्ट ने आखिर में कहा कि जिस बैच का परीक्षण हुआ था उसको रिकॉल कर लिया जाए, वापस बुला लिया जाए और नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि 11 में से जो दो सैंपल थे उनमें जो पीएच था वो ज्यादा बढ़ा हुआ आया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।